नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। एक मुद्दा जो हमेशा विपक्ष के लिए राजनीति का अड्डा बना रहता था, उसे पीएम मोदी के मंत्री ने खत्म कर दिया। दरअसल अब पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति होने की संभावना कम है। पुरी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है और अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि केंद्र ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से राज्यों के पाले में डाल दिया है। अगर राज्य सहमत हो जाए तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ सकता है, जिससे दाम में नरमी की संभावना बनेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहे हैं। हालांकि दूसरा मुद्दा इसे लागू करने के लिए तरीके का है, उस सवाल को वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाना चाहिए। हरदीप पुरी ने ये भी कहा, ये समझना अधिक मुश्किल नहीं है कि राज्यों को इनसे राजस्व मिलता है, राजस्व पाने वाला आखिर उसे क्यों छोड़ना चाहेगा। सिर्फ केंद्र सरकार ही महंगाई और अन्य बातों को लेकर फिक्रमंद रहती है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले को जीएसटी परिषद में उठाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्री इस पर तैयार नहीं हुए। जहां तक जीएसटी का सवाल है तो हमारी या आपकी इच्छाएं अपनी जगह है, हम एक सहकारी संघीय व्यवस्था का हिस्सा है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाने के पीछे राज्यों को होने वाला राजस्व में घाटा बड़ी वजह है। अगर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेती हैं और जीएसटी के सबसे ऊंचे टैक्स स्लेब में इन दोनों तेलों को रखती हैं, तब भी उन्हें कमाई पर बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ेगा। अभी जीएसटी का सबसे ऊंचा स्तर 28% का है, यानी कि इससे अधिक किसी वस्तु पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। अगर पेट्रोल डीजल को 28% के भी दायरे में रखा जाए तो राज्यों की कमाई बहुत घट जाएगी। यही वजह है कि राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर सहमत नहीं हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो आपको बता दें कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की संभावना के बारे में पुरी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके सवाल से अचंभित हूं, पिछले एक साल में इनकी कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी शायद भारत में हुई है। मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि भारत दुनिया भर में एक सबसे बेहतर स्थिति में रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन शुल्क में कटौती जैसे कदम उठाकर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से खुद को बचाए रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश यही होगी कि कीमतें स्थिर बनी रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।